Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Yamin Nisar and I read in Toba Islamic School. So main apni team mein as a midfielder khelta hu. Midfielder ka kaam ye hota hai ki agar ball wahan se aaye to usko matlab defense karna aur aage matlab strikers ko pass dena aur support dena. As we know के sports भी studies के मतलब उतना important है जितनी academics की studies है and sports जो है एक बच्चे के लिए ऐसे important है कि आजकल अगर हम देखते हैं आजकल के generation drug addicts है and बहुत सारे मतलब बाकी cases आते हैं for example मतलब गलत कामों में बच्चे जाते हैं उससे ये बच्चों को दूर रखता है एंड ये फिज़िकली भी फिट रखता है मेंटली भी हेल्दी रखता है बच्चों को इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट हम जीत के आएंगे एंड जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उनने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चों को खेलने के लिए दी जिससे वो इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं और इससे हमें ये फीलिंग्स जुड़ती है कि हम स्पोर्ट्स के लिए और आगे मतलब जो जैन के को स्पोर्ट्स फुटबॉल के लिए और आगे बढ़ाए एंड अपना फिज़िक्स को फिट करें मेंटली भी फिट रहें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है हमारे कोच है सईद सर वो भी इसमें बहुत सारी मतलब मेहनत कर रहे और हमारे टीम कैप्टन कामरान मजीद ये भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं फुटबॉल सीखने में एज़ वी आर बिगनर्स उतना हमने अभी तक खेला नहीं है बट इंशाल्लाह हम इस टूर्नामेंट को अच्छे से कम्प्लीट करने की कोशिश करें हमारे बहुत सारे ऑलमोस्ट हमारे सारे प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं अब जो एक्सपीरियंसड प्लेयर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल मिडफील्डर्स है डिफेंडर्स है और एज़ वी नो कामरान मजीद हमारे कैप्टन वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको भी एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वो हमें आगे पहुँचाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि इन चीज़ों से हम उन गलत आदतों से बचते हैं तो ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स निकालने चाहिए ना कि ओनली फुटबॉल के क्रिकेट के बाकी लोग बाकी स्टूडेंट्स बाकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए कि हम बच्चे जो है आज की जनरेशन जो है ये इस गलत माहौल से दूर रहे और हमारा फिज़िक्स भी फिट रहे और मेंटल हेल्थ भी हमारी ठीक रहे और हम ड्रग एडिक्ट ना बने और बाकी गलत आदतों से भी बचें